तो गाइस जस्ट अभी आई केम बैक फ्रॉम द वर्क और आज बड़ा ही खूबसूरत इंसिडेंट हुआ हमारे साथ में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, आपका फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग के अंदर। आज 24 अप्रैल है, कल 23 अप्रैल थी। व्लॉग के अंदर फिर से डेट गलत आ गई, इस चीज को मुझे याद रखना पड़ेगा आगे से हमेशा। डेट मैं पहले ही डाल दिया करूँगा यार, अब से मैं अगले दिन का वेट नहीं करूँगा डेट डालने के लिए। आज एडिट कर रहा हूँ तो आज ही डेट डाल दूंगा ताकि ये गलती बार बार ना हो। फिलहाल का सीन है कि 11 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया था, आपने देखा ही होगा, नाश्ते में परांठे बने थे चावल के। और आज संडे है, आज काम की छुट्टी है तो पूरा दिन बस चिल करेंगे। ओके गूगल, आई कांट रीच द इंटरनेट राइट नाउ, चेक योर मोडेम और रूटर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। ये लगी नखरे कर रहा, चल तो रहा है भाई। खत्म। चलो भाई सिलेंडर लग गया। तो भाई काम वाम करने के बाद में मैं अभी देख रहा हूँ भूल भुलैया, मैंने आधी देखी थी आधी रह गई थी। आज इसको मैं पहले खत्म करता हूँ फिर उसके बाद में कोई दूसरी मूवी चालू करूंगा। आज प्लान है पूरी 3 मूवीज देखने का, क्योंकि पूरे वीक में देख नहीं पाया मैं कोई भी मूवी। तो अगर कुछ भी इंस्पिरेशन चाहिए तो मूवीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बचपन में जब मूवीज देखते थे ना तो मम्मी डांटती थी और पढ़ने के लिए बैठा देती थी, लेकिन अभी मम्मी आगे पूछती है कोई मूवी देखी या नहीं देखी। नहीं, दैट्स हाउ लाइफ चेंजेस। अभी पता क्या हुआ, मैं मूवी देख रहा था और मूवी देखते देखते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। यहाँ पे मूवी चल रही है और मैं सोया पड़ा हूँ इसके ऊपर बैठ के। जस्ट अभी उठाऊँ और लंच का टाइम हो गया, अब दिन में नहीं सोऊंगा मैं। ज़बरदस्ती की छुट्टी ले तो लेता हूँ लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा बोरिंग डे निकलता है ना, क्या बताऊँ। और छुट्टी अगर ना लूँ तो फिर नए आइडियाज़ नहीं आते दिमाग में, करें तो क्या करें, जाए तो जाए, कहाँ कहें तो कहें क्या। अरे लाले जा, लाले जा। लस्सी बनाऊँ? मम्मी ने बनाई है आज छोले की सब्जी लंच के अंदर, रोटी बन गई काले चने, अभी मैं बना रहा हूँ लस्सी। इसमें बनाऊँ उसमें? ओके। जीरा नहीं पड़ा? जीरा दे दो। भुने जीरे के बिना मजा नहीं आ रहा यार। नहीं है।
लो भाई ये रहा हमारा जीरा पाउडर, इसको डालेंगे थोड़ा सा लस्सी के अंदर, इतना काफ़ी है, और बाकी को मैं डब्बे में रख देता हूँ। अब आएगा असली मज़ा जीरा पाउडर के साथ में। अब आया ना टेस्ट असली छाछ वाला, अमूल की छाछ खेला मेरी छाछ के आगे। हाँ जी मैंने एक हाँ जी खड़ा था, अपनी बुराई मत करो अपनी प्रशंसा मत करो। इमोशनल डैमेज, बाहर का मौसम अचानक से, अब ये बस ऐसे ही होता रहेगा मई जून के अंदर भी, कभी कभी बादल कभी धूप, कभी बादल कभी धूप, फिर 7-8 दिन ऐसे आएंगे। वो क्या होता है 7 तपा, फिर 9 तपा, 9 तपा होता है ना, कब आता है वो, जून में 9 तपा आएगा, फिर जब 9 दिन सबसे गर्म दिन होंगे या नहीं होंगे, लास्ट टाइम तो नहीं थे, बारिश आ गई थी लास्ट टाइम 9 तपा में बारिश आई थी, बारिश मैं उनको बताया लास्ट टाइम बारिश आ गई थी, 3-4 दिन तक फुल गर्मी पड़ी थी, उसके बाद बारिश आ गई। वैसे अभी 5:15 हो रहे हैं, मैं जस्ट उठा हूँ अभी सोकर, फिर से सो गया था, बहुत नींद आई है, चाय पी के वॉक पे जाके आएंगे, थोड़ी बॉडी भी फ्रेश हो जाएगी, नींद गायब हो जाएगी, और 2-3 दिन हो गए गया भी नहीं वॉक पे मैं। कोई ऐसे फंस जाए खाने की नली में, कुछ हो जाए ये नहीं करना चाहिए, कोई बाकी चैलेंज मर्जी कर लो, फूड चैलेंज नहीं होना चाहिए। अरे लग जाता है खाने गलती से, चलो भी चले वॉक पे। क्या कर रहे हो? अरे पुराना दोस्त मिला एक मुझे, दिखाता हूँ। तो गाइस जस्ट अभी आई केम बैक फ्रॉम द वॉक, और आज बड़ा ही खूबसूरत इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, एक पार्क के साथ में एक मिठाई की शॉप है, मैं वहाँ पे मिठाई लेने गया, तो मैं हम लोग जब जाते थे ना वॉक पे, मैं और समीर जाते थे जब वॉक पे सुबह के टाइम पे सर्दियों के अंदर, तो एक छोटा सा पपी हमारा दोस्त बना था उस टाइम पे, और कुछ टाइम बाद वो गायब हो गया, तो हमें लगा भाई कहीं चला गया होगा इधर उधर। तो आज मैं जब मिठाई लेके वापस आ रहा था, उसने पता नहीं मुझे कहां से देखा पार्क के अंदर से, पूरा जब मैं पार्क क्रॉस कर गया साइड से, मैं बाहर की तरफ था, वो पार्क के अंदर था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था, मुझे नहीं पता चला, मुझे लगा हाँ कोई डॉग तो है वहाँ पे चल रहा है साथ साथ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला भाई साहब इतनी स्पीड से पीछे भाग गया, मतलब उसको याद था अभी तक, इतने टाइम हो गया उसके बावजूद, दिसंबर में हमने लास्ट देखा था उसको, उसके बावजूद उसके दिमाग में मेरी मतलब इमेज थी कि हाँ भाई इसको जानता हूँ मैं यार, तो भाई पीछे आया भाग के वो फटाफट, और आप खुद देखो कैसे वो चिपकने लग गया मेरे साथ। और मेरे पास ना कुछ खिलाने के लिए नहीं था उसका बेचारे को, तो मैं मिठाई लेके आ रहा था, मैं मिठाई तो नहीं खिला सकते, मिठाई ख़राब होती है डॉग्स के लिए या किसी भी जानवर के लिए, मीठा कल लेके जाऊंगा कुछ उसके लिए, अगर मिला वापस तो बिस्किट का पैकेट जरूर लेके जाऊंगा, एक तो पैकेट अपने जेब में रखा है। तो अभी 6:30 हो रही है, आज सुबह से कोई काम नहीं किया था, अभी मैं काम करने बैठ रहा हूँ, व्लॉग की एडिटिंग करते हैं, और साथ में मैच देखेंगे IPL का जो 7:30 बजे आएगा।